हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आज का ये जो टॉपिक ये वीडियो है ट्यूटोरियल से बहुत ही जानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एआई क्या है, एआई कैसे काम करते हैं और चैट जीपीटी आज जितने भी फीचर्स आप देख रहे हो इंटरनेट पे, आप सुन रहे हो, उन सबको यूज कैसे करना, उन सबका टॉपिक, जैसे कि चैट जीपीटी, फोटो एडिटिंग करना सीख रहे हैं, वॉइस एडिटिंग करना सीख रहे हैं एआई के माध्यम से, तो एआई कैसे काम करता है, उसको कैसे क्या क्या हम इसको यूज भी ले सकते हैं, ये सब ट्यूटोरियल्स आप सीखने वाले हो। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के टोटल 5 पार्ट आने वाले हैं, तो एक ट्यूटोरियल्स होगा जिसमें कि आप चैट जीपीटी और एआई दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो बहुत ही जबरदस्त ये ट्यूटोरियल्स होने वाला है, तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट पे जाके ये पांचों जो ट्यूटोरियल्स है ना, जो पार्ट है, इन सबको आसानी से आप जाके एक्सेस करके देख सकते हो। तो यार, मैं फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ जो पहला पार्ट है आज का, ठीक है। तो पहला पार्ट होगा आज का चैट जीपीटी और गेटवे टू एआई कन्वर्सेशन, ठीक है। ये वीडियो का हमारा पहला पार्ट है और जो 5 पार्ट है जिनके लिस्ट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन दे रहा हूँ, आप जिनको देख सकते हो, इन पांचों पार्ट, ये जो पांचों पार्ट है, ये सब कुछ आपको यूट्यूब पे जल्दी आने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका पहला पार्ट आज आपका है चैट जीपीटी और गेटवे टू एआई कन्वर्सेशन, ठीक है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं पूरे इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आज का जो एजेंडा होगा हमारा, वो क्या क्या हम लोग समझने वाले, क्या क्या जानने वाले हैं, वो भी आप समझ लो। तो यार, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैट जीपीटी के बारे में, ओके। तो चैट जीपीटी के साथ हम लोग किस तरह कोई भी कोडिंग लिख सकते हैं, किसी भी तरह का कोडिंग लिख रहा हूं, सारे टाइप के कोडिंग आप यहां पे चैट जीपीटी के माध्यम से लिख सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं चैट जीपीटी के साथ कैसे कोड लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चैट जीपीटी के साथ कैसे कोई हम लोग नॉलेज, मतलब कोई भी किसी भी तरीके कोई भी हमें जानकारी लेनी, तो कैसे हम लोग उससे जानकारी ले सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी समरी तैयार करनी है, या किसी कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है, या फिर आपको अगर आप न्यूज रिपोर्टर हो तो उसके लिए कुछ आपको कंटेंट चाहिए, वहां से आप कैसे उसको कॉपी कर सकते हो, या तो मैं बोलूं तो वो कंटेंट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ हम लोग जानेंगे आज के इस टॉपिक में। और तीसरा हमारा होगा कि कैसे आप चैट जीपीटी को ट्रेन करा सकते हो, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा यार, देखो चैट जीपीटी को चलाने के लिए ना आपको उसको ट्रेन करना होता है। ये बेहतर और स्मार्ट तरीके से काम तभी करेगा जब आप उसको ट्रेन करते हो, तो इसको ट्रेन करने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट होगा कि हम लोग चौथे पॉइंट में जानेंगे कि चैट जीपीटी का उपयोग किसी भी तरीके, कोई भी अगर हमें ब्लॉग लिखना हो, पोस्ट लिखना हो, तो कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग किसी मटेरियल या कंटेंट राइटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो कंटेंट राइटिंग के लिए चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे चैट जीपीटी, तो ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। फिर पांचवा हमारा है कैसे आप किसी भी, ओके गाइस, तो लास्ट पॉइंट हमारा बचता है कि टोटल हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, क्या जाना है, उसका लास्ट में हम लोग कंक्लूजन दिखाएंगे, ओके। चलो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा गाइस कि सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम लोग अपना जो गूगल क्रोम है, तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे अपने विंडोज के लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं हम लोग, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन आप यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम मेरा खुला है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, तो जैसे आप चैट जीपीटी सर्च करते हो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके कॉपी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, देन यहाँ पे मुझे पूछ रहा है अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आप यहाँ पे जाके लिखना, ईमेल आईडी अपना डालना, कंटिन्यू पे क्लिक करना, देन लॉगिन करना, ये लॉगिन हो जाएगा, ओके। तो और अगर आपके पास पहले से आईडी है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी ईमेल, ठीक है, ऑलरेडी मतलब आप लॉग इन कर चुके हैं, आईडी आपके पास है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डालना, कंटिन्यू करना, पासवर्ड डालना, लॉग इन हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे जीमेल का यूज करके मैं लॉग इन कर रहा हूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस साइन अप में आपको आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा इसमें, जब फर्स्ट टाइम आप साइन अप करते हैं, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा इसमें लिखना है, ओके। तो मैं यहाँ पे अपने किसी एक जीमेल आईडी से लॉग इन कर लेता हूँ, ओके। तो मैं गाइस यहाँ पे मैंने कर लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है। अब सिंपल सी चीजें यहाँ पे हैं, मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया, और देन अभी हमें क्या चाहिए होगा कि मैं आपको बता दूंगा कि ये देखो, ये है आपका चैट जीपीटी का इंटरफेस। आप यहाँ पे ऊपर जो क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे आपको दिखता है कि चैट जीपीटी 3.5, ठीक है, और ये है चैट जीपीटी 4। तो देखो चैट जीपीटी में आपको ये
हमारे एक इनका एक सर्वर है, उस सर्वर से जोड़ के ऐड करके रख देता है, जो कि आपको इमेजेस वगैरह भी जनरेट करके देता है। तो चैट जीपीटी हमको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप आसानी से इमेज भी जनरेट कर सकते हो। बट गाइस ये फ्री नहीं है, ये पेड है, तो आप इसको इसमें बाई करना पड़ेगा। इनका प्लान आई थिंक लगभग $20 पर मंथ का इनका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अगर वो चाहो तो आप ले सकते हो, लेते हो जब तो चैट जीपीटी 4 ये प्रॉपर काम करता है, ओके। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप न्यू चैट देखते हो, जितनी बार आप न्यू चैट पे क्लिक करोगे हर एक बार एक नया चैट बोर्ड तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ हेलो, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने गाइस जैसे यहाँ पे लिखा हेलो, यहाँ पे इसने लिखा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टूडे, ठीक है। इसने जस्ट बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यार कहने का मतलब है कि आप इस तरह से इसको कुछ भी पूछोगे ऑटोमेटिक रिप्लाई करना शुरू कर देगा। और अब दूसरा चैटबॉट का मतलब है कि यहाँ पे न्यू चैटबॉट पे क्लिक करो, अब यहाँ पे लिखो आई एम राज कमल। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा हेलो आई एम राज कमल, तो उसने लिखा हेलो राज कमल हाउ कैन आई असिस्ट यू टूडे, बहुत सिंपल इसने मैंने मुझे रिप्लाई इसने कर दिया। तो कहने का मतलब है कि हर बार न्यू चैट पे क्लिक करोगे तो हर बार एक नया चैट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये जो चीज देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी बहुत लोगों ने इसमें सर्च करते हैं, तो जो लोग सर्च करते हैं उसी के हिसाब से आपको एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दे देता है कि आप चाहो तो इन सब का यूज करके आप आसानी से बहुत सारी चीजों को जनरेट कर सकते हो टेक्स्ट को, ओके। बहुत आसान है, यहाँ से प्लान वगैरह अपग्रेड कर सकते हो, सिंपल से तरीका है इसमें। चलो तो पहले पॉइंट पे आते हैं, हमारा सबसे पहले हमें जानना है कि कोडिंग कैसे लिख सकते हो, कोडिंग के लिए क्या क्या हमें चाहिए होगा। देखो तो सबसे पहले मैं आपको एक कोडिंग बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको जाके लिखता हूँ, बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक एग्जाम्पल HTML CSS एंड आई वॉन्ट टू मेक अ गेम, ठीक है, यूजिंग HTML CSS एंड JS, ठीक है। बस जस्ट सिंपल मैंने यहां पे लिख दिया आई वॉन्ट टू मेक एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल की स्पेलिंग यहां पे गलत लिखा है, कोई नहीं वो फिर भी सही कर लेगा। बस रैंडमली मुझे इसने एक सिंपल सा गेम बना के दे दिया है और इस गेम को हम लोग देख भी सकते हैं। तो अभी मैं आपको क्या करता हूं, मैं सबसे पहले यहां पर जाता हूं, मैं अपना विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूं, ठीक है। मैं यहां पे हटा देता हूं इसको, मैं यहां पे न्यू फाइल लेता हूं। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, मैं बाहर एक फोल्डर बना लेता हूं जिसमें कि आसानी से मुझे कोडिंग आसानी से करने में थोड़ा हो जाए। मैं एक काम करता हूं, मैं डेस्कटॉप बना लेता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू डेमो वेबसाइट, ठीक है। डेमो के स्पेलिंग अभी मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं देन यहाँ पे हमें एक फोल्डर चाहिए, तो मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे HTML पे जाता हूँ और ये बता रहा है किस नाम से होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML इंडेक्स HTML नाम से होना चाहिए फाइल। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले और मैं यहाँ पे एक फोल्डर जो हमारा है फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे देन और देन यहाँ पे है न्यू डेमो वेबसाइट, मैं सब फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसी फोल्डर के अंदर हम लोग जितना भी फाइल हमारी फाइल बनाना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल से यहाँ पे जाके कॉपी कर लूंगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया कॉपी किया देन पेस्ट किया, यहाँ कंट्रोल S से सेव करके रख दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि हमारा जो CSS की फाइल होगी वो होगा स्टाइल डॉट CSS, मैं यहाँ पे जाता हूँ और देन यहाँ पे मैं फिर अलाउ कर लेता हूँ, ओके। ये कुछ मैंने प्लगइन्स इंस्टॉल किया था उसके लिए दे रहा है, ठीक है, मैं उसको छोड़ देते हैं ऑप्शन। चलो न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, CSS डॉट स्टाइल पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारा CSS हो गया कंप्लीट। देन अभी जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट js पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट js बोल दे रहा हूँ और देन यहाँ पे पेस्ट किया और ये कंप्लीट हुआ और देन हम लोग यहाँ पे ये js इसको हम लोग करेंगे, ठीक है,
यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेंगे। अब हमें इसको ओपन करना है, तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो गोदन पे जाके बस ये हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है और लोकल होस्ट पे ओके। आई थिंक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और कोई बात नहीं गाइस, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं सीधे इसके फोल्डर पे और यहाँ पे इंडेक्स पे जाके क्लिक कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या किया इसने, गेस द नंबर गेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गेस द नंबर गेम, मैं जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं 10 या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 और सबमिट गेम पे क्लिक करता हूँ, लो टू लो ट्राई अगेन, मैं लिख लेता हूँ 5, मैं सबमिट गेम पे क्लिक करता हूँ लो टू हाई, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मान लीजिए 1 और देन गेस करते हैं ओके टू लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 98। तो बेसिकली छोटा इसने गेम बना के मुझे यहाँ पे दे दिया। आप देख सकते हो सिंपली इसने क्या किया, इसमें देखो क्या क्या कर रहा है, दिस सिंपल गेम जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, प्रॉम्प्ट द यूजर टू गेस इट, आफ्टर इच गेस प्रोवाइड फीडबैक टू वेदर गेसेस टू हाई या लो और करेक्ट, वंस द यूजर गेसेस द करेक्ट नंबर इट कैलकुलेट देम डिसेबल इनटू फील्ड एंड सबमिट बटन। मतलब कि ये जो हमारा गेम होगा, अगर इसमें आप कंफर्म मतलब आप एक एग्जैक्ट फिक्स नंबर जान जाओगे कि क्या इसका सही नंबर है, तो आपको ये सबमिट करके ये फाइनल कर देगा कि हाँ ये आपका सही नंबर है ओके। तो एक तरीका ये हो गया कि आप कितना आसानी से ये चीजों एक छोटा सा गेम बना सकते हो। तो कोडिंग का जो स्टार्टिंग जो तरीका ये टेक्निक गाइस, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है ओके। आप यहां पे जाके सिंपल से सब चीजों को जान सकते हो ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कैसे इसने क्या कोडिंग की है क्या कोडिंग नहीं की है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप मैनुअली जाकर यहाँ पे सारे के सारे जो कोडिंग है उसको अच्छे से देख के उसको करेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान होगा ओके। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था हम लोगों का, और इसके बाद हम लोग चाहें तो इससे बड़े से बड़े भी प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे इसको जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम था इसलिए मैंने इसको किया है ठीक है। तो मैं अभी ये जो फोल्डर में पूरा फोल्डर डिलीट करूंगा और मैं यहां पे जाता हूं और मैं इसको बोलता हूं कि आई वॉन्ट टू मेक, मैंने यहां पे बाकायदे पूरा लिख लिया इसमें क्या क्या करना चाहिए, मैंने पूरा हिंदी में लिख लिया ताकि आपको भी आसानी समझ में आ जाए। बहुत ही आसान होगा, बहुत सिंपल है कि आसानी से मैंने कोडिंग के लिए लिखा, अपनी भाषा में मैंने लिख दिया, ये मेरी भाषा को समझेगा और मुझे उसी हिसाब से कोड प्रोवाइड करना शुरू कर देगा ठीक है। तो मैंने इसको बोला सबसे पहले मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर दूंगा, उस स्ट्रक्चर के अनुसार तो मुझे कोड प्रोवाइड करना, मतलब मैं पहले तो मुझे स्ट्रक्चर दो कि वेबसाइट का क्या क्या स्ट्रक्चर है कैसे बनेगा, उसके बाद फिर देन मुझे ये दो। तो अभी इसने मुझे प्रोवाइड किया तो मैं अभी क्या करता हूँ मैं कॉपी कर लेता हूँ और देन मैं यहाँ पे जाता हूँ इंडेक्स पे और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए फिर जेड किया और यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर दिया और देन सेम वही चीजें हैं, बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने जाना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे कर दिया पेस्ट और देन तो मैं अभी लगता है मुझे अगर इसका स्क्रिप्ट का कुछ बचा होगा तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ और देन अगर इसको जरूरत होगी तो ये कुछ हमें कोड देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा ठीक है। चलिए अच्छा इसने मुझे कुछ कोड दे दिया ओके। हालांकि मैंने इसको कोड नहीं स्टार्टिंग में बोल रखा है कि जब भी मैं तुम्हें कोड दूंगा मतलब पेज फाइल के नाम दूंगा तो उन सारे फाइल के साथ साथ जो भी कोड की आवश्यकता हो सारे कोड तुम मुझे बना के दे दोगी। तो अभी ये मुझे सारे कोड बना के दे रहा है ठीक है। और यहाँ पे चीजें होगी कंप्लीट, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कॉपी और देन मैं इसको जाऊंगा जावा स्क्रिप्ट वाले पेज पे और यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल बी यहाँ पे कर दिया पेस्ट, देन करूंगा कंट्रोल एस से सेव और देन हम लोग अगेन जाएंगे और हमें यहाँ पे दूसरे फाइल का जो पहला फाइल है उसका नाम देते हैं, हो सकता है कि इसमें भी ये कुछ बदलाव करे और मुझे अच्छे तरीके से कुछ कोड बना के दे दें ठीक है। तो अभी ये फिर से राइटिंग कर रहा है इसके लिए ठीक है, आई थिंक ये उसमें सेम है, उसमें कुछ इसने बदलाव नहीं किया है ओके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एचटीएमएल पे कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल एस सेव कर दिया और देन हमें स्टाइल का चाहिए तो हमने स्टाइल यहाँ पे कॉपी कर लिया देन यहाँ कर लिया भी कंट्रोल बी और यहाँ पे और ये हमें जो ये सीएसएस है इसने हमें लिख के यहाँ पे दे दिया गाइस। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ सीएसएस पे और सेम वही कोड इसने लिख के हमें दे दिया, मैं कंट्रोल एस करूंगा यहाँ पर भी कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर भी देन कंट्रोल एस कर लेते हैं बोला ठीक है। और देन मैं हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से चलाते हैं
अभी गाइस देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया, चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी जीरो स्कोर दिख रहा है। अभी हमें इस गेम में थोड़ी सी चीजों को सही करना पड़ेगा, कैसे आप इस चीजों को कोडिंग जो है कोडिंग में भी क्या हम लोग चेंजिंग करें कि हमें यहाँ पे चीज शो करे कि यार क्या बटन दबाना है क्या बटन नहीं दबाना है, जिससे कि हमें ये गेम आसानी से। तो मैं यहाँ पे डालता हूं, तो यहाँ पे बताया एरो अप एरो डाउन से आप लोग जो गेम है इसको आप ले आ सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, गेम ओवर हो गया, सॉरी। मैं यहाँ पे गाइस एक बार फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हो कि ये चालू हो गया है, जो हमारा स्नैक है ये जा रहा है नीचे। ओके आप देख सकते हो कि हम लोग कितना आसानी से गेम खेल सकते हैं। इसको इसने खा लिया, अब ये नीचे जाएगा, स्कोर हमारा एक हो गया। ओके सो आई होप गाइस आपने देखा कैसे स्नैक वाला जो गेम है इसको हम लोगों ने आसानी से बना लिया, ठीक है। तो इस तरह के और भी गेम बना सकते हो, और इसमें आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हिंट दो कि इसको गेम को कैसे खेलना है। तो अगर मैं मुझे जस्ट एग्जांपल में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसके बाद की कोडिंग आप अपने खुद से बना सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए तो इसमें इसमें बोल दो, इसको ले आओ ऐसे कोड कॉपी कर दो और यहाँ पे लिख दो यहाँ पे लिख दो प्लीज, कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एज ऑप्शन इन दिस गेम हाउ टू प्ले दिस गेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देन अब इस कोड में ये लिख के देगा मुझे कि कैसे इस कोड को लिखना है, मतलब इसमें कैसे इसको खेलना है। तो ये कुछ ऑप्शन इसमें ऐड कर देगा हमारे लिए। ओके तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आप देख सकते हो कि मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल गया, आसानी से मुझे एक नया एचटीएमएल कोड प्रोवाइड हो गया। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले एचटीएमएल पे मैं कंट्रोल ए करता हूँ कंट्रोल बी करता हूँ देन सेव करता हूँ। और देखो अभी मैं जाके यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल गया कि हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले उसने मुझे कुछ जावास्क्रिप्ट के लिए भी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे जाते क्लिक करता हूँ और इस जावास्क्रिप्ट में भी मैं इसको थोड़ी सी चीजों को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया और देन यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को और देन एक बार इसको ट्राई करेंगे। तो अगर जैसे मैं हाउ टू प्ले पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखता है, हाउ टू प्ले, कैसे मूव करना है क्या करना है, ये सारा ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है, फिर मैं क्लिक करता हूँ ये आ जाता है हाउ टू प्ले हाउ टू हाइड। होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी, होप आपको ये चीजें पसंद आए होगी गाइस। तो बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, तो आप चाहो तो इसको सेल भी कर सकते हो, इस कोड को थोड़ा सा और अच्छे से ट्रेन करके और करवा के, ठीक है। तो गाइस ये हमारा टॉपिक हो गया कि कैसे आप कोड को यहाँ पे लिखते हो। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गाइस, तो गाइस अब हमें ये जानना है कि हमें किसी भी नॉलेज कैसे ले सकते हैं, मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज अगर हमें गेन करना है तो हम लोग या बोल दे तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, ठीक है। वैसे ये बहुत लोगों के लिए बेटर हो सकता है, जैसे किसी स्टूडेंट के लिए बेटर ये टॉपिक बेटर हो सकता है, या आप एथिकल हैकिंग के फील्ड में हो तो भी आपके लिए बहुत बेटर साबित हो सकता है। तो यार सबसे पहले तो या आप कोई भी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो कोई, या तो कोई आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपको चीजें आगे यहाँ पे लग सकता है और बहुत सारी चीजों की जानकारी यहाँ पे मिल सकती है। ओके तो मुझे एग्जैक्टली टॉपिक नहीं मिल रहा कि आप किस फील्ड से हो आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है, बट इतना समझो कि अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग चाहिए तो ये आपके लिए वीडियो बहुत परफेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से कुछ नहीं, अगर इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जाने के लिए हमारे चैट जीपीटी को जरा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मुझे जानना है मोदी के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिख दूं हु इज मोदी, मैं अगर हु इज मोदी लिखूंगा तो वो जो भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सारा का सारा जानकारी हमें क्या करेगा, एग्जैक्टली जानकारी हमें वो प्रोवाइड कर देगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हु इज मोदी, तो उसने लिख दिया हु इज मोदी कौन है, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी किस पार्टी से हैं, उनका जन्म कब हुआ, वो सारी जानकारी हमें दे दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मुझे तो मैंने यहाँ पे इनको सिंपल से मैंने इससे बोल दिया कि मुझे जो मोदी जी के बारे में पूरी जानकारी दो और 2024 के इलेक्शन में उनका क्या रिजल्ट होगा वो भी बताओ, ठीक है, और उन्होंने अपना पॉलिटिशियन जो जर्नी है वो कब से स्टार्ट किया था उसके बारे में भी बताओ। तो वो सब कुछ मैंने अपनी भाषा में जस्ट सिंपल सा लिख दिया इसको हिंदी में, और मैं इसको पेश करता हूँ, देखो अभी ये क्या मुझे रिजल्ट देता है।
ओके सो गाइस, यहाँ पे इसने ये बोल रखा है कि ये बहुत ज्यादा हद तक जानकारी नहीं दे सकता है, कुछ सामान्य जानकारी ही दे सकता है जो कि इसको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इसके लगाए गए हैं जिसकी टर्म्स एंड पॉलिसी के अनुसार, ठीक है। बट इसको इसके हर एक पॉइंट को पकड़ के आप उन्हीं पॉइंट को जब बार बार रिपीट करते हो तो ये कुछ हद तक जानकारी आपको देता है, हालांकि वो फिर भी उन हद तक जानकारी को नहीं देता है। जैसे मैं आपसे इससे मैं अगेन पूछता हूं, ये जो पॉलिटिक्स उन्होंने क्यों ज्वाइन किया और ये साधु थे या नहीं थे, शुरू से ही पॉलिटिशियन थे, और इन्होंने चाय बेचा कि नहीं बेचा वो भी मुझे बताओ, ठीक है, इन्होंने शुरुआत कैसे की। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ पे मैंने इनको दे दिया। देखो अभी इसने मुझे क्या डबल रिस्पॉन्स देके दे दिया और ये मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा लगा, जो आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगा उसी में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज आप उसको कैंसिल कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, ये एक अच्छा फीचर इसमें है जो कि हमें आसानी से बताता है कि हमें किस तरीके से काम करना है। ये देखो अभी इसने मुझे बताया और ये बहुत ही आसान सिंपल तरीके से बनाना शुरू कर दिया अभी, और देखो अभी ये इसमें से कोई एक पूछ रहा है, जो बेटर होगा आप उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। मोदी जी ने कब काम किया था, कैसे काम किया था और उन्होंने क्या स्टार्ट किया, तो ये काफी हद तक आपको जानकारी देता है। तो गाइस इस तरह की जानकारी आप यहाँ पे इससे प्रोवाइड कर सकते हो या ले सकते हो, बहुत ही आसान तरीका होगा, ओके। और इसमें हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करना होता है, उसके बाद अगर आपने अच्छा प्रॉम्प्ट डाला तो आपके प्रॉम्प्ट के अनुसार ये सारी चीजें जानकारी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हमें कैसे अपने चैटबोट को, जो हमारा चैट जीपीटी का जो चैटबोट है, जैसे ये चैटबोट है, इसको कैसे ट्रेन करना होता है। देखो ट्रेन करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जाओ और एक चैटबोट, जो भी चैटबोट आपका हो, उस चैटबोट को जो भी जानकारी देनी है, पहले सबसे पहला काम है कि उसको ढेर सारी जानकारी दे दो, उसको समझाओ कि आपको आगे क्या बनाना है। जैसे मुझे अपनी वेबसाइट, मुझे कंपनी है, मुझे उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल तैयार करना है, ठीक है, तो मैं उसको जाके पूरा समझाऊंगा कि देखो मुझे कंपनी का प्रोफाइल चाहिए, मेरे कंपनी का नाम ये है, मेरे कंपनी का ईमेल आईडी ये है, मेरे कंपनी का मोबाइल नंबर फोन नंबर ये है, तुम क्या और कैसे ये चीजें प्रोवाइड कर सकते, तो मुझे कंपनी का प्रोफाइल बना के दो। तो सबसे पहले हमें ये सारी जानकारी पहले उसको देना पड़ेगा, देन उससे रिलेटेड जो भी चीजें मैं पूछूंगा वो मुझे बता के सब कुछ देना शुरू कर देगा। जैसे के लिए तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है और यहाँ पे मैंने सारी की सारी जानकारी यहाँ पे इसको दे दी है, ये मैंने सारी की सारी जानकारी यहाँ पे इसकी लिख दी, और अब इस जानकारी के अनुसार मैंने जितनी सारी जानकारी दे दी, अब ये इस जानकारी के अनुसार मुझे बोलेगा कि मुझे कॉन्टेंट बना के देगा मेरे कंपनी का प्रोफाइल के अनुसार, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, अभी वही करने जा रहा है, अभी प्रोफाइल बना रहा है, ठीक है। देखिए मैंने इतनी सारी चीजें नहीं लिखी, लेकिन इसने एक अच्छे व्यू में पूरा का पूरा समझाते हुए सब कुछ यहाँ पे इसने सारी के सारी जितनी भी चीजें इसने बकायदे इसने लिख के हमें यहाँ पे समझाते हुए दे दिए, ठीक है। तो गाइस ये इस तरीके की जो नॉलेज है आप यहाँ पे डाल के इनको ट्रेन करा सकते हो, जब भी ट्रेन हो जाएगा तो आप इसको बहुत सारी इसमें जानकारी ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इसमें बोल लेता हूँ कि ऐसा है कि मुझे एक वेबसाइट का प्लान चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि मुझे 3,000 से 5,00,000 तक का वेबसाइट मुझे बनानी है, तो उसके लिए एक प्लान बना कर दो, ठीक है। वेबसाइट सस्ती महंगी सब टाइप के होगी, तो वर्डप्रेस और पीएचपी इन सबसे रिलेटेड सारी बेस मिल जाएगी। और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ मैंने तुम्हें जो ऊपर जानकारी दी थी उससे भी कुछ तुम जानकारी ले सकती हो। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे पेश किया और देन अभी मुझे ये प्लान बना के देना शुरू कर देगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे उसने देखिए 3,000 का बना दिया, एक ने 10,000 का बना दिया, ठीक है, और एक 5,00,000 का बना दिया इसने। और मैंने इसमें कुछ भी इसको जानकारी नहीं दी, सारा का सारा जानकारी ऑटोमेटिक इसने लिया और उसके हिसाब से देखिए इस सारी की सारी नॉलेज जो है ऑटोमेटिक इसने गेन किया और यहाँ पे इसने बना के मुझे दे दिया। अगर मैं पूछता हूं कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज माय कंपनी ने, देखिए मैंने यहां लिखा व्हाट इज कंपनी ने, तो माय कंपनी नेम इज ड्रामा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लैब, सिंपल है। माई नेम यहां पर लिखता हूं हु एम आई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ठीक है, तो है मैं बिकर, इसने अपने आप को बताया कि ठीक है मैं एक आई एआई मॉडल हूँ। अगर मैं इसको पूछता कि सीईओ ऑफ राज रामा डिजिटल ट्रांसलेट, तो देन ये बताता, तो मैं लिखता हूँ मैं, मेरा नाम राजकमल है, ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि मेरा नाम राजकमल है, ठीक है।
अब मैं इससे जब भी पूछूंगा कि मेरा नाम क्या है, तो इस टोटल चैट जीपीटी में, इस चैट बोर्ड में, ये आप जो भी देख रहे हो, ये पूरा टोटल चैट बोर्ड में मैं जब भी अपना नाम लूंगा या कंपनी का नाम पूछूंगा तो ये सारा चीज हमें प्रोवाइड कर देगा। अगर मुझे यहाँ पे रिफंड एंड पॉलिसी का पेज बनाना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मुझे रिफंड एंड, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल जाता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ रिफंड एंड मेक, इसको अंडर कॉमा के अंदर करते हैं, डबल कॉमा के अंदर मेक रिफंड रिफंड पॉलिसी पेज। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा और जस्ट सिंपल इसने रिटर्न और रिफंड का जो पॉलिसी का जो पेज है वो सारी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अगर इन केस अगर आपका इसमें वो चीजें डेटा नहीं फिट करा तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज फॉर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और रामा किसके लिए बनाना है उसको ये कंफर्म करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रामा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, मैं पे एंटर करता हूँ। देन अभी हमें यह बनाकर देखा रिफंड एंड रिफंड पॉलिसी का पेज, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि आप इसने बनाना शुरू कर दिया। ओके, आपको ये एक अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको इसको बना के दे देगा। तो गाइस कुछ इस तरह से आपका जो बोट होता है उसको ट्रेन करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस जो बोट को ट्रेन करने के बाद आप आसानी से जो भी टैक्स या जो भी चीजें चाहो वो करा सकते हो और इसका यूज भरपूर तरीके से यूज कर सकते हो। गाइस ये जो चैट जीपीटी एआई है इस समय एक नशे की तरह हो गया, जो कि एक बार आपको इसकी लत लग गई तो ये लत छूटने वाली नहीं है, ठीक है। बड़ा खतरनाक इसका नशा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसने किस तरह से यहाँ पे चीज दी, हम लोगों के वेबसाइट का नाम, मोबाइल नंबर, वो सारा कुछ आपने दे दिया। जब इसको ये पता गया कि नहीं, एग्जैक्टली ये बताना पड़ेगा कि इसको कि क्या इसको देना है, क्या बनाना है, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो गाइस अगर आप मुझे ये जानना है कि मुझे अगर मैं चैट जीपीटी का यूज कैसे कंटेंट राइटिंग में कर सकता हूँ तो वो बहुत आसान तरीका होगा। देखो अगर आप कंटेंट राइटिंग जो क्या था, पहले क्या है, कोई कंपनियां कंटेंट राइटिंग कंटेंट राइटर हायर करती थी, या अगर आप इस समय कंटेंट राइटर हो तो आप इसका चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। तो मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप चैट कंटेंट राइटर और चैट जीपीटी एक ही तरह काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये एक एआई है और एक ह्यूमन, मतलब एक रियल इंसान में और चैट एआई में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा नहीं मैं बोल सकता हूँ काफी डिफरेंट होता है। क्योंकि तो जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मुझे कंटेंट राइटिंग लिखना है तो मैं चाहता हूं कि एक ब्लॉग लिखना, तो मैं लिख देता हूं आई वॉन्ट टू मेक अ ब्लॉग फॉर वेबसाइट, टॉपिक नेम हाउ टू मेक अ स्मार्ट डस्टबिन, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और देन ये मुझे इस टॉपिक पे ब्लॉग लिख के दे देगा, ठीक है। इसने टाइटल दिया, इसने ब्लॉग लिख दिया और उसका प्रॉपर उसने क्या क्या उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चाहिए होगा वो सारी चीजों को इसने यहाँ पे लिख के दे देता। बहुत ही आसान तरीका होगा कि ये ब्लॉग हमें लिख के मिल गया। अब मैं एक दूसरा चैटबॉट लेता हूँ और मुझे कंटेंट राइटिंग में मान लीजिए कि मुझे एक हॉरर मूवी लिखनी है, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखो राइट, एंटर किया, देन अब हमें ये 5 हॉरर मूवी का नाम दे चुका है इसने, ठीक है, बहुत सिंपल आसान हो गया। अब मैं अगर मैं फर्स्ट जो हॉरर मूवी है मैं इसको लिखता हूँ इको ऑफ फॉरगॉटन, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कर दिया पेस्ट और ये मुझे जो भी मेरा हॉरर मूवी का टॉपिक है वो बना के दे देगा, ठीक है। मैंने आप इसको सिंपल लिखा और इसने बना के मुझे दे दिया। तो मैं लिखता हूं 5 हॉरर स्टोरी नेम इंडियन नेम, तो यहां पे लिखता हूं इंडियन हॉरर स्टोरी नेम, यहां पे लिखा और यहां पे विसरिन राजमहल, मैं कॉपी करता हूं राजमहल को, मैं यहां पे लिखता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं राइट फुल स्टोरी, मैं इसको कॉमा के अंदर डाल लेता हूं और देन यहां पे पेस्ट करता हूं। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसने किस तरीके से ये की सारी स्टोरी यहां पे मैं लिख के दे दी कि क्या स्टोरी ये है राजमहल का,
ठीक है। अब इसको चाहो तो आप धीरे धीरे करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और भी टॉपिक और भी पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग का भी काम चैट जीपीटी के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस इसको समझना पड़ेगा और इसको लिखवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, वक्त के साथ ये बहुत आसानी से आप यूज कर सकोगे, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा वक्त दिया इसलिए मैं आसानी से इसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर लेता हूँ। बट आपको एक्सेस करने के लिए, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, इसको समझने के लिए इसके साथ बहुत खेलना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, देन आप इसको सीख पाओगे। बट कोई ट्यूटोरियल अगर आपने देख लिया है तो आपको थोड़ा, अभी जैसे आपने ये ट्यूटोरियल देखा तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि हम लोग चैट जीपीटी जो यूज करते हैं वो हम लोग कोडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं, किसी न किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कर सकते हैं, और कोई प्रोफाइल बनवानी हो, या तो मैं बोलूं वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखना हो, या वेबसाइट का प्रोफाइल लिखना हो, या वेबसाइट के पूरी की पूरी कॉन्टेंट लिखनी हो, ठीक है, या कॉन्टेंट राइटिंग का काम ही करना है, तो आप उसके लिए ये चीजें बहुत ही, ये जो चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा है और एक अच्छे वे में आप इससे सीख सकते हो, काम कर सकते हो इसके साथ। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी चीजों को गलत करता है, ठीक है, ये इतना 100% परफेक्ट नहीं देता, कभी कभी बहुत सारी चीजों को ये गलत लिखता है, तो उसमें आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और आपको इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, इस बात को आपको भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा। जितना भी मैंने बताया सारी चीजें सही है, बट यहाँ पे आपको इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और कि जो चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी में आप चाहो तो इसको वॉइस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, तो मैं ये इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मैंने कैसे चैट जीपीटी में कैसे आप वॉइस को जनरेट कर सकते हो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। तो देखो वॉइस के थ्रू कैसे लिखना होता है, जैसे भी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ इसको तो ये लिखता ही चला जा रहा है, तो वैसे ये कैसे संभव है, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी सेपरेट वीडियो रखा है, आपको आई बटन पे भी ये चीजें मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फिर भी जाके आप ये जो वीडियो है ये देख सकते हो कैसे हम लोग चैट जीपीटी को वॉइस कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान तरीका होगा। चलो, तो आज का वीडियो का टॉपिक इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से काफी वीडियो लंबा हो गया, बट कोई नहीं, और आपको आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो मैं बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लेना। चलो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।